हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हो? आज हम लेके आई हूँ सोयाबीन की शाही कबाब रेसिपी। कबाब की रेसिपी बनाई हो और आप खाई भी होगी। सो आज हम बनाएंगे न्यू और डिफरेंट तरीके से। मैं हमेशा आप लोगों को इजी प्रोसेस से रेसिपी बना के दिखाती हूँ। इस रेसिपी को बनाने में ज़्यादा झंझट नहीं लगेगा और ईजीली बन जाता है। ये आपके रसोई के कुछ इंग्रीडियंट्स में ये बन जाएगा। और फ्रेंड्स, मेरा वीडियो देख रही हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलो इसे बना लेती हूँ। हम लिया है चने के दाल, इसे हम 2 घंटे भिगो के रखे थे। और यहाँ लिया है चिकन, और चने के दाल और चिकन को हम कुकर में डाल रहे हैं। इसे हम सीटी लगाएंगे। आप चाहे तो इसे छोटा छोटा पीसेस के काट के और इसका जो हड्डी होता है वो आप रिमूव कर सकते हो। हम ऐसे ले लिया है और बाद में हम रिमूव कर देंगे। मसाले के लिए लिया है नमक 1 चम्मच, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, और इसमें हम पानी यूज़ करेंगे। इतना ही पानी यूज़ करना है कि पानी उबल जाने के बाद न रह जाए, पूरा एकदम सही तरीके से ये उबल जाए और पानी भी ना रहे, उतना तक हमें पानी देना है। और इसका ढक्कन बंद कर देंगे, 5 से 6 सीटी लगाएंगे और ये रेडी हो जाएगा। देखो फ्रेंड्स, दाल चिकन को हम उबाल लिया है, साथ में हम सोयाबीन भी लिया है। और सोयाबीन को हम भिगो के रखे थे, अब मिक्सी में डाल रहा है, इसे हम पीसना की बारी है। तो चिकन हम इसका हड्डी निकाल रहा है, जो हड्डी रह गया उसे हम रिमूव कर रहे हैं। एक एक करके सब हम रिमूव कर लिया है। दाल को भी हम डाल रहे हैं और चिकन भी डाल दिया है। अब हम इसके अंदर कुछ हरी मिर्ची ऐड करेंगे। लिया है 4 से 5 कच्चा मिर्ची, आधा प्याज, 2 से 3 लिया है इलायच, अदरक, लहसुन। अब मिक्सी में ग्राइंड करेंगे इसे। और देखो, इसे हम मिक्सी में ग्राइंड कर लिया है, इतना सा हुआ है। अब मसाला डाल लेना है। लिया है हल्दी पाउडर, नमक, गरम मसाला, जीरा पाउडर, मिर्ची, थोड़ा सा ऑयल, और इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। देखो फ्रेंड्स, अच्छे से हम मिक्स कर लिया है। अब हम फ्राई कर लेते हैं। उसके लिए लिया है फ्राई पैन, उसके अंदर हम थोड़ा सा ऑयल डाल रहे हैं। फ्राई पैन पर हम अच्छे से लगा लेते हैं, फिर हम शाही कबाब को फ्राई करेंगे। तो ऑयल हम अच्छे से लगा लिया है। देखो, इसके अंदर हम धनिया पत्ता भी ऐड किया है, वो हम दिखाया नहीं। और कबाब को हम गोल गोल पतला पतला शेप में दे दिया है, एक एक करके हम डाल दिया है। और इसे हम अच्छे से फ्राई करेंगे एक तरफ, और थोड़ा सा हम बॉयल भी यूज़ किया है, और इसे हम अच्छे से फ्राई करेंगे। एक साइड जब हो जाए इसे हम पलटा लेते हैं, और इस साइड भी हम अच्छे से फ्राई करेंगे। दोनों तरफ हम अच्छे से फ्राई करेंगे। और थोड़ा सा हम और भी ऑयल डालेंगे, थोड़ा सा हम ऑयल लेते हैं। दोनों तरफ हमारा अच्छे से फ्राई हो गया है। अब हम इसे एक एक करके उठा लेते हैं। अब हम सारे कबाब को इस तरह से फ्राई कर लेते हैं। और इस कबाब को फ्राई करने में हम ज़्यादा ऑयल यूज़ नहीं किया है, इसके अंदर सोयाबीन है, जितना भी ऑयल डाला एब्जॉर्ब कर लेता है। और आप चाहो तो ऑयल ज़्यादा यूज़ कर सकते हो। और इस तरह से आप ढक्कन बंद करके फ्राई कर सकते हो। ऐसा करने से कबाब के अंदर से पक जाता है। कबाब हमारा रेडी हो गया है, पूरा सा फ्राई हो गया है। इसे हम उठा लेते हैं। और फ्रेंड्स, एक कबाब को हम तोड़ के दिखाते हैं, और अंदर से देखो कितना सॉफ्ट है, कच्चापन नहीं है, और बाहर भी कच्चापन नहीं है, खाने में बहुत टेस्टी है। आज की रेसिपी इतना ही दोस्तों। मेरा वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, और मेरा वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय बाय।